हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले हर व्यक्ति ने रामायण जरूर देखी और पढ़ी होगी, जिसमें भगवान श्री राम के जन्म, माता सीता से विवाह, 14 वर्ष का वनवास, रावण से वध और माता सीता के धरती में समा जाने से संबंधित घटनाओं को विस्तार से बताया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी रामायण से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य और अनसुनी बातें हैं जिनके बारे में आज भी कई लोगों को कोई जानकारी नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम आपको रामायण से जुड़ी उन्हीं अनसुनी बातों को विस्तार से बताने जा रहे हैं जिनका जिक्र टेलीविजन के रामायण में नहीं किया गया। सबसे पहले हनुमान जी ने लिखी थी रामायण। ये तो हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी भगवान श्री राम के परम भक्त थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभु की सेवा में बिता दिया। लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि रामायण की कथा को सबसे पहले ऋषि वाल्मीकि ने नहीं बल्कि हनुमान जी ने लिखा था। हनुमान जी ने रामायण की कथा एक बड़े से पत्थर पर अपने नाखूनों की मदद से लिखी थी, लेकिन जब ऋषि वाल्मीकि की नज़र उस शिलालेख पर पड़ी तो उन्होंने हनुमान जी से कहा, भगवान श्री राम की कथा का वर्णन आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता और आपकी रचना के सामने मेरी लिखी हुई राम कथा का कोई मोल नहीं है। ये बात सुनकर हनुमान जी हैरान रह गए और उन्होंने ऋषि वाल्मीकि से कहा, आप भी भगवान श्री राम के परम भक्त हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसका लेखन ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपके द्वारा लिखी गई कथा में भी भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन किया गया होगा। ये बात बोलने के बाद हनुमान जी ने उस शिलालेख को उठाया और पास में बह रही नदी में फेंक दिया, ताकि ऋषि वाल्मीकि की लिखी गई रामायण को असल कथा और लेख माना जा सके। इसके बाद वाल्मीकि जी की लिखी हुई रामायण को न सिर्फ लोगों ने पढ़ा बल्कि पूरे भारतवर्ष में उसका प्रचार प्रसार भी किया। रामायण से हुई थी गायत्री मंत्र की रचना। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखते वक्त लगभग 24,000 श्लोक लिखे थे, जिनके जरिए उन्होंने भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी कहानी आम लोगों के सामने रखी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऋषि वाल्मीकि जी के लिखे गए 24,000 श्लोकों में से ही गायत्री मंत्र की रचना हुई है, जिसे आप और हम पढ़ते हैं। दरअसल ऋषि वाल्मीकि जी के लिखे हर 1,000 श्लोक के बाद पहले अक्षर को गायत्री मंत्र में जोड़ा गया है, जिसकी वजह से रामायण के 24,000 श्लोकों के खत्म होने पर गायत्री मंत्र पूरा हो जाता है। और यही वजह है कि गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। किसके अवतार थे राम जी के भाई? रामायण की कथा में इस बात का वर्णन तो मिलता है कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे, जिन्होंने रावण का वध करने के लिए धरती पर मानव रूप में जन्म लिया था। लेकिन रामायण की कथा में इस बात का वर्णन नहीं मिलता है कि श्री राम के तीन भाई यानी लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न किसके अवतार थे। हम आपको बता दें कि लक्ष्मण को भगवान विष्णु की शैया पर शेष नाग का अवतार माना जाता है, जबकि भरत को सुदर्शन चक्र और शत्रुघ्न को शंख का मानव अवतार माना जाता है, जिन्हें भगवान विष्णु अपने हाथों में धारण करके रखते थे। श्री राम की बहन थी शांता। रामायण की कथा के अनुसार भगवान श्री राम चार भाई थे, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भगवान श्री राम की एक बहन भी थी और उनका नाम शांता था। दरअसल शांता का जन्म श्री राम और चारों भाइयों से कई साल पहले हुआ था, जिनके माता पिता राजा दशरथ और रानी कौशल्या थे। लेकिन राजा दशरथ ने शांता को बचपन में ही अंग देश के राजा रोमपद को गोद दे दिया था, क्योंकि राजा रोमपद की कोई संतान नहीं थी और राजा रोमपद की पत्नी वर्षणी कौशल्या की बहन थी। ऐसे में शांता का पालन पोषण राजा रोमपद ने किया और बाद में उनका विवाह रिंग ऋषि के साथ कर दिया गया था। बाद में रिंग ऋषि के किए गए पुत्रेष्टि यज्ञ के परिणाम स्वरूप राजा दशरथ को चार पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि श्री राम और उनके भाइयों के जन्म के लिए कहीं न कहीं उनकी बड़ी बहन शांता जिम्मेदार थी, जिनके पति के करवाए गए यज्ञ की वजह से वो धरती पर आए थे। क्यों रखी गई थी धनुष को तोड़ने की शर्त? ये तो हम सभी जानते हैं कि माता सीता के स्वयंवर में शिव धनुष को तोड़ने की शर्त रखी गई थी, जिसे उठा पाने का साहस किसी भी वीर या शक्तिशाली व्यक्ति में नहीं था। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर माता सीता के पिता जनक ने स्वयंवर में धनुष को उठाने की शर्त क्यों रखी थी, जबकि वो जानते थे कि उस धनुष को कोई नहीं उठा सकता है। दरअसल राजा जनक के महल में शिव धनुष कई सालों से था, जिसे कोई भी नहीं उठा सकता था। ऐसे में जब माता सीता छोटी थी तो उन्होंने खेल खेल में एक ही हाथ से शिव धनुष को उठा लिया था
और ये दृश्य देखकर राजा जनक हैरान रह गए थे। उन्हें पता चल गया था कि उनकी बेटी सीता बिल्कुल भी साधारण नहीं है, लिहाजा उन्होंने पुत्री सीता के स्वयंवर में उसी धनुष को उठाने की शर्त रखी थी। हालांकि शिव धनुष का वजन इतना ज्यादा था कि महान से महान राजा भी उसे हिला तक नहीं पाया था, जबकि भगवान श्री राम ने बहुत ही आसानी से धनुष को उठाया और उसे तोड़कर माता सीता के साथ विवाह किया था। माँ सीता के स्वयंवर में आया था रावण। माता सीता के स्वयंवर में विभिन्न देशों के राजाओं ने हिस्सा लिया था, लेकिन टीवी पर प्रसारित होने वाली रामायण में इस घटना से जुड़ी एक अहम बात को नहीं बताया गया। दरअसल माता सीता के स्वयंवर में लंका नरेश रावण ने भी हिस्सा लिया था, जबकि उनकी पत्नी मंदोदरी ये नहीं चाहती थी कि रावण उस स्वयंवर में हिस्सा ले। लेकिन स्वयंवर में शामिल होने वाले अन्य राजाओं की तरह रावण भी शिव धनुष को उठा पाने में विफल रहा था, जिसके बाद वो क्रोधित होकर स्वयंवर सभा को छोड़कर चला गया था। कहा जाता है कि अपने इसी अपमान का बदला लेने के लिए बाद में रावण ने माता सीता का अपहरण किया था, क्योंकि वो सीता से विवाह करने की इच्छा रखता था। 14 साल तक नहीं सोए थे लक्ष्मण। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम और माता सीता के साथ लक्ष्मण भी 14 साल के वनवास में गए थे, ताकि वो अपने भाई और भाभी की जंगल में रक्षा कर सके। ऐसे में लक्ष्मण ने श्री राम और माता सीता की रखवाली करने के लिए रात में ना सोने का फैसला किया और जंगल में पहरेदारी करने लगे। इसी दौरान उनकी आंख लग गई। लक्ष्मण ने सपने में निंद्रा देवी को देखा और उनसे अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दे कि 14 साल के वनवास में रात के समय उन्हें नींद ना आए। ऐसे में निंद्रा देवी ने लक्ष्मण का अनुरोध स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि अगर तुम 14 साल तक बिना सोए जागते रहना चाहते हो तो तुम्हारी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को नींद पूरी करनी होगी। ये बात सुनकर लक्ष्मण ने निंद्रा देवी को अपनी पत्नी उर्मिला के सपने में जाने की सलाह दी, जिसके बाद उर्मिला ने लक्ष्मण के हिस्से की नींद लेने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। इस तरह उर्मिला दिन के समय अपनी नींद पूरी करती थी, जबकि रात के समय लक्ष्मण के हिस्से की नींद सोती थी। यही वजह थी कि उर्मिला लक्ष्मण के वनवास के दौरान पूरे 14 साल तक सोती रही, जबकि उनके पति लक्ष्मण 14 साल तक बिना सोए अपने भाई भाभी की रक्षा करते थे। इसी वजह से लक्ष्मण को गुडाकेश के नाम से भी जाना जाता है, जिसका जिक्र टेलीविजन पर प्रसारित होने वाली रामायण में देखने को नहीं मिलता है। भगवान कृष्ण की मृत्यु का रहस्य। अगर आपने टीवी पर रामायण देखी है तो आपको ये पता होगा कि अपने वनवास के दौरान श्री राम ने सुग्रीव की मदद की थी, जिसके लिए उन्होंने पेड़ के पीछे छिपकर युद्ध के दौरान बाली पर बाण चलाया था और उसकी वजह से बाली की मृत्यु हो गई थी। लेकिन इस घटना का एक तार श्री कृष्ण की मृत्यु से भी जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में टेलीविजन की रामायण में कुछ नहीं दिखाया गया है। दरअसल बाली की मृत्यु होने के बाद उसकी पत्नी तारा ने श्री राम को श्राप दिया था कि जिस तरह इस जन्म में श्री राम ने धोखे से उनके पति को मारा है, ठीक उसी तरह अगले जन्म में उनकी मृत्यु भी धोखे से बाण लगने से होगी। इसी श्राप की वजह से द्वापर युग में एक शिकारी ने गलती से श्री कृष्ण को तीर मार दिया था और उस वजह से ही श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई थी, जिसके लिए बाली की पत्नी तारा का श्राप जिम्मेदार था। श्री राम से युद्ध लड़ना चाहता था जामवंत। भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध करने के लिए वानर सेना समेत कई राजाओं से मदद ली थी, जिसमें राजा जामवंत का नाम भी शामिल था। ऐसे में श्री राम और रावण के युद्ध में जामवंत वानर सेना के सेनापति थे, जिन्होंने युद्ध लड़ने और उसे जीतने में अहम योगदान दिया था। लेकिन लंका पर जीत हासिल करने के बाद जब भगवान श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौटने लगे तो राजा जामवंत ने श्री राम से युद्ध लड़ने की इच्छा जाहिर की। राजा जामवंत को लगने लगा था कि वो बहुत शक्तिशाली है, इसलिए वो भगवान श्री राम से युद्ध लड़ना चाहते थे। लेकिन श्री राम ने जामवंत की बात मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका 14 वर्ष का वनवास पूरा हो चुका था और उन्हें जल्द से जल्द अयोध्या लौटना था। हालांकि श्री राम ने जामवंत को वचन दिया था कि वो द्वापर युग में एक बार फिर जन्म लेंगे और उनके युद्ध करने की इच्छा को पूरा करेंगे, जिसके बाद श्री कृष्ण अवतार में भगवान ने राजा जामवंत से युद्ध किया था। उस युद्ध में श्री कृष्ण ने जामवंत को हरा दिया था, जिसके बाद श्री कृष्ण ने भगवान श्री राम का अवतार धारण किया और जामवंत को अपना वचन याद दिलाया था। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह राजा जामवंत से करवा दिया था, जिसके बाद जाम्बवती ने सांब नाम के पुत्र को जन्म दिया था और वही पुत्र अपने कुल के विनाश का कारण भी बना था।
हनुमान जी का था एक पुत्र। रामायण के अनुसार हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में किसी स्त्री की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। हालांकि इसके बावजूद भी रामायण की कथा में हनुमान जी के पुत्र का जिक्र मिलता है, जिसका नाम मकरध्वज था। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर ब्रह्मचारी होने के बाद भी हनुमान जी के पुत्र ने धरती पर जन्म कैसे लिया था। दरअसल हनुमान जी माता सीता की तलाश में लंका गए थे, जहां रावण ने उनकी पूंछ पर आग लगा दी थी और फिर उसी जलती हुई पूंछ के जरिए हनुमान जी ने सोने की लंका को आग के हवाले कर दिया था। ऐसे में लंका से बाहर निकलने के बाद अपनी पूंछ पर लगी आग को बुझाने के लिए हनुमान जी ने समुद्र में डुबकी लगा दी थी, जिसमें मकरा नाम की एक शक्तिशाली मछली रहती थी, जिसके मुंह में हनुमान जी के पसीने की बूंद चली गई, जिसकी वजह से मछली गर्भवती हो गई और उसने हनुमान जी के बेटे मकरध्वज को जन्म दिया था। हालांकि मकरध्वज ने अपना पूरा जीवन पानी के आसपास ही बिताया था, जबकि उसके अपने पिता हनुमान जी से उसकी मुलाकात सिर्फ एक बार ही हुई थी। भगवान शिव ने रखा था रावण का नाम। लंकापति रावण का असल नाम दशानंद था, क्योंकि उसके 10 सिर हुआ करते थे। लेकिन एक घटना के बाद दशानंद को रावण के नाम से जाना जाने लगा, जिसमें भगवान शिव की अहम भूमिका थी। दरअसल रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, जो एक बार भगवान शिव को अपने साथ लंका ले जाने के लिए कैलाश पर्वत पहुंच गया था। लेकिन कैलाश के द्वारपाल के रूप में पहरेदारी कर रहे नंदी महाराज ने रावण को आगे बढ़ने से रोक दिया, क्योंकि उस वक्त भगवान शिव तपस्या कर रहे थे। ऐसे में रावण को गुस्सा आ गया और उसने भगवान शिव को कैलाश पर्वत समेत लंका ले जाने का फैसला कर लिया, जिसके लिए उसने अपने दोनों हाथों से कैलाश पर्वत को नींव से उठाने की कोशिश की। इस वजह से कैलाश पर्वत हिलने लगा और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई, जिसके बाद भगवान शिव ने अपना एक पैर पर्वत के ऊपर रख दिया। इसकी वजह से कैलाश पर्वत का भार कई गुना बढ़ गया था और रावण के हाथ की छोटी उंगली उस पहाड़ के नीचे दब गई थी, जिसकी वजह से रावण को दर्द होने लगा और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। ऐसे में भगवान शिव से माफी मांगने के लिए रावण ने दर्द में रहते हुए भी जोर जोर से तांडव मंत्र का जाप शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने रावण की उंगली को पर्वत से बाहर निकाल दिया। इसके साथ ही उन्होंने दशानंद को रावण नाम भी दिया था, जिसका अर्थ शेर जैसी दहाड़ यानी आवाज रखने वाला व्यक्ति होता है। रावण ने किया था श्री राम के लिए यज्ञ। ये तो हम सभी जानते हैं कि रावण के माता सीता का अपहरण करने के बाद श्री राम ने रावण से युद्ध किया था, जिसके लिए उन्होंने समुद्र में पत्थरों की मदद से पुल बनवाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस पुल के निर्माण में रावण का अहम योगदान था, जिसने श्री राम के लिए यज्ञ करवाया था। दरअसल समुद्र में पुल बनाने से पहले एक भगवान शिव के नाम पर यज्ञ करना था, लेकिन उस यज्ञ को करवाने के लिए किसी ब्राह्मण या ज्ञानी व्यक्ति की जरूरत थी। ऐसे में रावण के भाई विभीषण ने श्री राम को बताया कि वो रावण बहुत ज्ञानी है और वो भगवान शिव का परम भक्त भी है, लिहाजा वो उसे यज्ञ करने का अनुरोध करें। इसके बाद भगवान राम ने रावण को यज्ञ करने के लिए आमंत्रित किया और भगवान शिव के लिए रावण ने यज्ञ भी कर दिया था, जिसके बाद उसने श्री राम को आशीर्वाद दिया कि वो जिस उद्देश्य से पुल का निर्माण कर रहे हैं उस कार्य में सफल हों। जबकि रावण ये अच्छी तरह जानता था कि उस पुल को युद्ध करने के लिए बनवाया जा रहा है, जिसमें उसकी मृत्यु तय है। हालांकि इसके बाद भी रावण ने यज्ञ किया, क्योंकि उसके लिए अपने धर्म का पालन करना सबसे अहम कर्तव्य था। तो ये थी रामायण से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी बातें, जिनका जिक्र टेलीविजन पर टेलीकास्ट होने वाली रामायण में नहीं किया जाता है। इन सभी बातों का उल्लेख ऋषि वाल्मीकि की लिखी गई रामायण में श्लोकों के जरिए मिलता है। ऐसे में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।